अरविंद केजरीवाल अध्यादेश रोग से पीड़ित हैं और ममता बनर्जी को सीपीएम से कष्ट है, इसलिए अरविंद केजरीवाल तो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर पटना से खिसक गए। लेकिन ममता बनर्जी को ईडी और सीबीआई पर भाषण देना था, इसलिए वो यहां अंत तक रुकी रही। लेकिन बंगाल वापस लौटते ही ममता ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए, जिससे विपक्षी एकता को लेकर सवाल उठने लगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बाद ममता बनर्जी दूसरे नेता हैं जिनके पास शर्तें हैं और वे शर्तों के साथ गठबंधन करना चाहती हैं। बंगाल लौटकर ममता बनर्जी ने एक बार फिर से कांग्रेस और सीपीआईएम की आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्र में बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा विपक्षी गठबंधन बनाने की कोशिशों के बाद भी उनकी हरकतें रुकावट पैदा कर रही हैं। ममता बनर्जी ने कूचबिहार में पंचायत चुनाव की रैली को संबोधित करते हुए कहा, हम केंद्र में बीजेपी के खिलाफ एक महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और सीपीआईएम बंगाल में बीजेपी के साथ काम करने की कोशिश कर रही हैं। मैं बंगाल में अपवित्र गठजोड़ को तोड़ दूंगी। पिछले 10 दिनों के भीतर ये दूसरी बार है जब ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ मौन समझौता करने के लिए कांग्रेस और सीपीआईएम की आलोचना की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के इस दावे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में टीएमसी की विश्वसनीयता हमेशा सवालों के घेरे में रही है। हम सभी जानते हैं कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में टीएमसी ने इन सभी वर्षों में क्या भूमिका निभाई है। अधीर रंजन चौधरी के सुर में सुर मिलाते हुए सीपीआईएम ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के तरीकों पर कम्युनिस्टों और कांग्रेस को लेक्चर देने वाला आखिरी व्यक्ति होना चाहिए। इस मामले पर बीजेपी ने राज्य में सीपीआईएम और कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का समझौता होने के आरोपों को खारिज कर दिया। सीपीआईएम, कांग्रेस और टीएमसी एक ही नाव पर सवार हैं। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि ये बीजेपी ही है जो राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।